नहीं होगी। मेन फंडा ही समझा दूंगा कि ये कोड डालोगे तो ये काम करेगी, आपको पूरा हिंदी भाषा में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बेफिक्र होकर वीडियो देखना मेरी, आपको अच्छी तरह समझा दूंगा मैं, ठीक है। कोई वो नहीं करना कितना बड़ा प्रोग्राम है कैसे काम करता होगा, ऐसा आप नहीं सोचना, मैं आपको बीच बीच का फंडा समझाऊंगा कि ये कहते नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, वापस से फिर से स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग करना कितना इजी है, ठीक है। अगर आप सिंपल प्रोग्राम बना लोगे लो दोस्तों, उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम होगा धीरे 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 करके आप बना ही लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेटिंग ऑपरेटिंग कर लो अच्छे से, ठीक है, ऑपरेटर बन जाओ, उसके बाद सेटिंग कर लो धीरे धीरे। देखो ऑटोमेटिक कोई तो डायरेक्ट प्रोग्राम बना नहीं सकता, ठीक है, जब तक आप उसको ऑपरेटिंग करना नहीं आएगा, सेटिंग करना नहीं आएगा, ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर टूलिंग वगैरह ये सब समझ नहीं आएगा, उसके पहले प्रोग्रामिंग वो कर नहीं सकता। अगर भले ही प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत कर भी लेगा, पूरा एक्यूरेट प्रोग्राम नहीं बना पाएगा दोस्त। सबसे पहले उसको सीखना यही चाहिए, मैं तो मेरी राय जहाँ तक है, आप पहले ऑपरेटिंग करना पहले सीखो, ठीक है, साइज वगैरह भरना सीखो, टूलिंग के बारे में समझो, सेटिंग पहले करो, ठीक है, तभी आप एक अच्छे खासे प्रोग्रामर बन सकते हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अभी तभी आप अच्छे खासे प्रोग्रामर बन सकते हो, उसके पहले अगर आप सोचो कि डायरेक्ट मैं प्रोग्रामर बन जाऊँ तो ये आपके लिए भी गलती है, ठीक है। आप प्रोग्रामर डायरेक्ट नहीं बन सकते, अगर बन जाओगे तो आप किसी काम के नहीं हैं, मैं तो सीधा कहता हूँ। जिस भाई को अगर सेटिंग करना नहीं आया वो प्रोग्रामर कभी नहीं बनते, उसके प्रोग्रामर बनने से न बनने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आज के इसके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा कि एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। मान लो दोस्त, अगर आपकी मशीन है लीनियर टायरड वाली नहीं है, टायरड में एक्चुअली क्या है ना, प्लस प्लस का प्रोग्राम बनता है, लोग आते हैं बना के चले जाते हैं, ठीक है, और जो कहीं कहीं लीनियर मिल जाती है ना, मान के चलो लीनियर में नीचे से टूल बंधा हुआ है हमारा, माइनस में प्रोग्राम बनाना हो गया, तो वो कहते हैं भाई यार माइनस में कैसे बनाऊं, ठीक है। किसी किसी भाई को नहीं मालूम होता, जिस भाई को मालूम रहता है, अच्छा अच्छे खासे प्रोग्रामर है उनको तो मालूम रहता है, जो नए नए प्रोग्रामर बनते हैं ना उनको नहीं मालूम रहता। तो आज आपको लीनियर पे माइनस में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो आज आपको समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से समझाने वाला हूँ। दोस्त अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे दोस्त, और अच्छा सा लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पे, अच्छे अच्छे वीडियो में डालता रहूँगा दोस्त, आप लोग भी देखते रहिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे माइनस में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं लीनियर में, ठीक है। आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहोगे दोस्त, आपको अच्छी खासी प्रोग्राम मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसको प्रोग्रामर बना दूँगा, अगर मेरी वीडियो अगर डेली देखोगे आप, ठीक है। अगर नहीं बनना प्रोग्रामर तो मेरे को बताना, मेरे को कहना कि भाई आपने झूठ बोला था या कुछ भी किया था, मेरे पर भरोसा रहोगे दोस्त, मैं आपको बनाऊंगा प्रोग्रामर सेटर ऑपरेटर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है पूरा 100% बना दूंगा आपको। तो आइए दिखाता हूँ कैसे लीनियर में माइनस में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो दोस्त मान लो ये मशीन हमारी लीनियर है, ठीक है, लीनियर मशीन है हमारा, ऊपर से टूल नहीं बंधा हुआ है, ऊपर से एक्चुअली टूल नहीं बंधा हुआ है हमारा, नीचे से टूल बंधा हुआ है, ठीक है, ये नीचे से टूल बंधा हुआ है, ठीक है, ये हमारा स्पिंडल हो गया, ठीक, हमारा स्पिंडल हो गया, और इसमें हमारा ये चक्का लगा हुआ है इसमें, ठीक है, चक्का लगा हुआ है, चक्के का सेंटर ये है, ठीक है, सेंटर ये है चक्के का, मान लो एक तरह का, ठीक है, हमारा नीचे से टूल लगा हुआ है। अगर नीचे से टूल लगा हुआ है दोस्त, फिर हमारा ये कंपोनेंट एक हो गया, एक ऐसे कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कंपोनेंट हमारा है 25, ठीक है, अगर आपको इसको 24 बनाना है, ठीक है, 24 बनाना है, तो सबसे पहले आपको माइनस में अगर प्रोग्राम बनाना है तो सबसे आप पहले क्या करोगे, जो मशीन का कोड वगैरह है वो भरोगे, ठीक है, जैसे G90 G95 G95 G64, ठीक, सबसे पहले ऊपर ये कोड भर दोगे आप, ठीक है, कोड भरने के बाद, ठीक है, कोड भरने के बाद आप उसमें टूल नंबर डाल दोगे जितना होगा, T1 D1, ठीक है, उसके बाद पानी का कोड डाल दोगे, M8 या M08 बात एक ही है, ठीक है, उसके बाद ये सब भर दिए आप, फिर उसके बाद कटिंग उसकी स्पीड वगैरह, सरफेस कटिंग स्पीड वगैरह भर दोगे उसमें, ठीक है, उसमें सरफेस कटिंग स्पीड वगैरह भर दोगे, जैसे G96 S हमारा 250 हमने भर दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारा चक्का ऐसे घूम रहा है, ठीक है,
तो हमारा M04 में घूम रहा है, तो जिसे राइट और लेफ्ट होता है ना, तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हमारा ऐसे राइट में घूम रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। M04 इसका चक्के का रोटेशन है, ठीक है, M04, ठीक है, तो हम डाल देंगे क्योंकि हमारा नीचे से डूल काम कर रहा है, ऊपर से काम करता तो यही M03 हो जाता, ये M03 हो जाता, लेकिन हमारा अभी नीचे से टूल काम कर रहा है तो यहाँ पे M04 लगेगा, ठीक है। M04 हम लगा दिए, उसके बाद इसके आगे हम डाल देंगे जो डालना होगा, ऐसे लिम्स LIM ऐसे करके डालते हैं बराबर करके, जो RPM वगैरह रख देंगे 2200 कुछ भी रख देंगे हम, कंपोनेंट के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं माइनस में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई कंपोनेंट है वो है अपना कितना 25, ये है 25, ये हमारा 25 है, ठीक है। इसको बनाना है कितना 24 बनाना है दोस्त, तो सबसे पहले हम लिखेंगे G0, ठीक है, X यहाँ पे 24.0, ठीक है, यहाँ पे 24.0 लिख दिए। अब हम टूल को लाएंगे पीस के पास, G0 ऊपर लगा हुआ है, वहाँ का कैच भी कर सकता है, अच्छा हो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। G0 यहाँ, सॉरी, माइनस में आपका प्रोग्राम है ना, सब यही चीज़ ध्यान देना दोस्त, देखो मैं भी भूल रहा था, ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है, मेन मुद्दा यही है, ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। पहले आपने उसको डाल लिया, तो जैसे हमारा टूल डाल देंगे Z50 वगैरह कुछ भी, पहले खड़ा कर देंगे उसको, फिर डाल देंगे X की वैल्यू डाल देंगे माइनस में, -24.0, फिर डाल देंगे G0 Z1.0, ठीक है, 1.0 डाल दिए। अब इसी के लाइन में डाल देंगे हम, अगर चैम्पर लगाना है कुछ भी करना है, चैम्पर तो चलो हमने बताया नहीं कि चैम्पर लगाना है, चैम्पर भी लगाना होगा तो उसके लिए मैं अलग से प्रोग्राम बना दूंगा, अभी माइनस में कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। G01 Z- जैसे पीस की लंबाई है हमारा 30, ठीक है, तो G0 Z-30.0, ठीक है, फीड वगैरह कुछ रख दो, फीड हम 15 रख देते हैं, ठीक है, फीड पॉइंट 15, ठीक है। अब यहाँ पे गया, अब फिर से जो अभी तो हमारा 24 पे माइनस में 24 पे कट लगा हुआ है, Z-30 तक चला गया हमारा, फिर हम डाल देंगे X-25.0, ठीक है, हमने 24 पे कट लगाया, ऐसे हमारा टूल गया 24 पे कट लगा हुआ है, अब -25 तो ऐसे, अगर यही हम +25 कर देंगे तो हमारा पीस दोबारा पीस में ऐसे जाके घुस जाएगा टूल, क्योंकि यही होता है एक्सीडेंट, तो हम इस जगह पे माइनस ही लगाएंगे, -24 पे हमारा कट लगा हुआ है, ठीक है, -24 पे कट लगा हुआ है, तो हम यहाँ तक Z-30 तक टर्निंग करते हुए गए, ठीक है, तो फिर से हम डालेंगे X-25.0, 24 से 1 mm नीचे आएगा टूल हमारा, ठीक है, 1 मिनट, 24 से नीचे हमारा टूल आया, नीचे टूल आ गया। अब हम डाल देंगे जैसे G0 Z50.0 या 80.0 100.0 जितना आप टूल को बाहर खींच सकते हो, ठीक है। अगर लीनियर में तो लीनियर में तो रेफरेंस तो डालने की लोड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्त, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं, रेफरेंस डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, किसी किसी मशीन में अगर रेफरेंस होता भी है तो जो उसका कोड रहता है, जैसे G75 हो गया, ठीक है, G75 हो गया, उसका X0.0 लिख दो, उसका कोड डाल दो, ठीक है। तो इसी तरह हम लीनियर में माइनस में प्रोग्राम बनाते हैं दोस्त, ठीक है। क्या है मेन फंडा, क्या है कि भले भी ये प्लस में बना सकते हैं हम, अगर प्लस में बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को माइनस के जगह इसको, ठीक है, ये माइनस के जगह ये यहाँ पे हटा देना है, बस प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पे हटा देना है बस, X25.0 अगर माइनस का प्रोग्राम बन रहा है तो X-25.0, ठीक है, यही मेन फंडा है। X-25.0 करोगे तो नीचे से अगर टूल बंधा हुआ माइनस में प्रोग्राम बना रहे हो तो माइनस में बंधेगा, अगर प्लस में बना रहा हो ऊपर से टूल लगा हुआ है हमारा, ऊपर से टूल लगा हुआ है तो यही हमारा प्लस में बन जाएगा, 125.0, ठीक है, करके Z1 करके Z-30 तक जाना, X25 पे उठाना और Z को टूल को बाहर खींच लेना। अब मेन फंडा क्या है प्रोग्रामिंग का, हम आपको बता दे रहे हैं इसका, ठीक है, कैसे टूल हमारा काम करता है। जैसे है, जैसे ये हमारा चक्का हो गया, ठीक है, ये हमारा स्पिंडल लगा हुआ है इसमें, ठीक है, स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है, स्पिंडल लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा टूल खड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा टूल ये खड़ा हुआ है, तो हम डालेंगे जैसे
पीस ये हमारा सेंटर हो गया बीच का। जैसे जैसे हम प्रोग्राम डालेंगे एक्स 25 करेंगे, ठीक है, एक्स 25 करेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहीं पे टूल हमारा एक्स 25 पे आके खड़ा हो जाएगा। अब हम डालेंगे जैसे G01 में करेंगे दोस्त, G01 में करेंगे ऐसे, तो ये हमारा टूल जितने फीड में डालेंगे ऐसे 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 आता रहेगा, जितने स्पीड में डालेंगे ऐसे ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अगर इसी को हम G01 के बजाय ओनली G0 लिख देंगे यहीं पे, तो ये टूल हमारा G0 जितना हम वैल्यू डालेंगे, Z1 डालेंगे या 2 डालेंगे, ठीक है, जितना हम वैल्यू डालेंगे वो ये कंपोनेंट है। अगर हमारा यहाँ पे Z0 आप लिए हुए हो, ठीक है, Z0 आप लिए हुए हो, तो ये टूल यहाँ से उठ के ऐसे आएगा, ऐसे आके 1 mm दूरी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये Z0 यहाँ पे है तो 1 mm दूरी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा टूल, ठीक है। तो इसी तरह बनाते हैं प्रोग्राम, और इसी तरह मैं आपको हर कोड के बारे में बताता रहूँगा दोस्त, कैसे प्रोग्राम बनता है कैसे नहीं बनता है, आप सीख जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे मैं आपको प्रोग्राम का जितना कोड वगैरह होता है मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके फंडा में समझा दूँगा कैसे ये काम करता है, उसी के आधारित आप प्रोग्राम समझ जाओगे यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन फंडा ही समझा दूंगा कि ये कोड डालोगे तो ये काम करेगी, आपको पूरा हिंदी भाषा में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बेफिक्र होकर वीडियो देखना मेरी, आपको अच्छी तरह समझा दूंगा मैं, ठीक है। कोई वो नहीं करना कि इतना बड़ा प्रोग्राम है कैसे काम करता होगा, ऐसा आप नहीं सोचना। मैं आपको बीच बीच का फंडा समझाऊंगा कि ये कहते नहीं है कोई सवाल वगैरह करना होता पहले उसका सूत्र मालूम करना पड़ता है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा हिंदी में आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ पे भरोगे तो ये चीज़ दोस्त ये काम करती है, ऐसे ऐसे आता है। जब आपको मेन फंडा ही समझा दूंगा तो आप प्रोग्राम आराम से बना लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप मेरे अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करना भाई, ठीक है, लाइक करना, कमेंट कर देना, ठीक है दोस्त। अच्छे अच्छे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा CNC के रिलेटेड, हर चीज़ के बारे में भाई बताऊँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आप फिर कोई वीडियो देखो, आप अच्छे खासे प्रोग्रामर बन जाओगे, ऑपरेटर सेटर सारे बन जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।